नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। केवड़िया कॉलोनी में मेन रोड पर गटर का गंदा पानी लीक होने से आम जनता को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों को दुर्गंध का सामना भी करना पड़ रहा है। रास्ते पर उभरे गटर के बारे में कई बार कचहरी में शिकायत भी की गई है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी लोगों की समस्या को सुलझाने नहीं आए हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। केवड़िया कॉलोनी में सवेरे पानी आ टाइम पानी गटरों उभराय सवार पानी टाइम उभा रोड पर खासा बढ़ा वाहन व्यवहार थती हो टाइम पानी ना छाता उड़े चे, पब्लिक ने प्रॉब्लम थे। पानी कपड़ा बकड़ा बगड़े वार त्यौहारे ने उभा केवड़िया में पूरा स्टेच्यू ऑफ द यूनिटी बनू है। त्या गाड़ी ते विस्तार में केवड़िया कॉलोनी खास जो काले बीजी ऑक्टोबर गई स्वच्छ अभियान तो आज आ गटरों उभराय के महीना की रजूआत करे निगम में केवड़िया गवर्नमेंट ने तो कोई निकाल आता नहीं। कई करवा तैयार नहीं कोई अने आखी पब्लिक ने केवड़िया कॉलोनी पब्लिक ने आ सामनो करवानो वाड़ो आवे छे। गटरों उभराय प्रॉब्लम है। स्वच्छ अभियान हमें चालू थयुं बीजी ऑक्टोबर थी स्वच्छ अभियान साहेब राखे तो अँ केवड़िया कॉलोनी में तो स्वच्छनू कहीं है नहीं।